राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गति धीमी पड़ गई है। वैक्सीन सेंटर्स अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दो दिनों से जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर सहित जिले में अन्य जगहों पर वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। खबर मिलने के बाद सीएमएचओ राकेश गुर्जर चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण करने भी पहुंचे। निरीक्षण के बाद राकेश गुर्जर ने कहा कि हम रोजाना जारी होने वाली सूची को अपडेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चित्तौड़गढ़ में भी टीकाकरण के काम में तेजी लाते हुए संख्या में बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 4 सेंटरों पर अभी भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में 4 बूथ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दावत वाटा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी जगह हमने बेगूर सीएससी पर नया बूथ चालू किया है। बाकी 3 सेंटर चित्तौड़गढ़ में जीएनएमपीसी और कपासन में कपासन सीएससी और निम्बाहेड़ा में इसकाबाद अर्बन सीएससी यथावत है।